आज के डेट में जो लोग वो कह रहे हैं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग का धंधा बेवकूफ़ बनाने वाला है या इसमें पागल बनाते हैं, तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं सर, यू आर वेरी रॉन्ग हियर। आप बहुत ज़्यादा गलत हैं, बहुत बेकार वाली और बहुत ब्लंडर वाली मिस्टेक कर रहे हैं अपनी लाइफ। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुँच आया हूँ दिल्ली, और दिल्ली में एक जगह है द्वारिका। आज इसी जगह से एक ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटी, जबरदस्त हम्बल पर्सनालिटी को आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, जो बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं। अपने प्रोफेशन में तो सक्सेस ही हैं, साथ में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अभूतपूर्व इतिहास बनाने को तैयार हैं। तो आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, आपका नाम है मिस्टर M.K. सिंघानिया। सर, सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप तो अपने प्रोफेशन में सक्सेस हैं, एक बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज़ों में आप जैसी पर्सनालिटी, दुनिया के लोग तो इसको बताते हैं बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, और आप एक अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए। देखिए सर, हमारे इंडियंस की जो सोच है ना, बड़ी ही डिफ़िकल्ट है। अगर बात करते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग की, तो मेरा ये मानना है, मैंने अपने 13 साल एक मेडिकल को दे दिया, जिसमें मैंने साथ साथ में पढ़ाई भी की, जॉब की, और बहुत धक्के मुक्के खाए हैं सर। इतने धक्के मुक्के खाए हैं कि मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, और ऐसे ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। तो यहाँ की जो अपने इंडियंस की जो सोच है ना, वो बिल्कुल अलग है, बिजनेस से लेकर और नेटवर्किंग मार्केटिंग को लेकर। यानी कि आज बंदा क्या करना पसंद करता है, जॉब, कि यार MBA कर लूँगा, बस जॉब लग जाएगी, 30-35-40-50 हज़ार रुपये मुझे मिल जाएंगे। क्या सर कभी आपने ये सोचा है कि 30-40 हज़ार से ज़िंदगी कट जाएगी, और अगर खुदा ना खास्ते हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया, सपोज दैट, नेवर डू दिस, कि अगर ऐसा हो कभी कि किसी की टांग टूट जाए, तो क्या वो जो जॉब कर रहा है MBA वाला बंदा, क्या वो उसकी सैलरी या उसको साथ साथ जॉब पर जो मालिक है, क्या पैसे देंगे? सर मेरे को नहीं लगता कि पैसे देंगे। नेटवर्किंग मार्केटिंग का एक ऐसा जरिया है सर, जो आप अपने काम के साथ साथ, जो भी आप वर्क कर रहे हैं अपने काम के साथ साथ, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, अगर इसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिल से दे दिया जाए, तो मे बी कि आपकी लाइफ इतनी बुरी तरीके से चेंज हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि मैं डेंटिस्ट्री लाइन में अपना इतिहास बना पाऊँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मैं आपसे कि नेटवर्किंग में मुझे अपना इतिहास तो रचना ही है सर। लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है झोला छाप डेंटिस्ट हों, चल दिए हों, थोड़ा बहुत पैसा कमा ले रहे हों, इसलिए समझ में नहीं आया हो फील्ड, प्रोफेशन, नेटवर्क मार्केटिंग में कूद पड़े हों लाखों करोड़ों का लालच देख करके। अपने बारे में कुछ बताएंगे, आपकी क्या रही जर्नी, क्या रही सक्सेस स्टोरी, कैसे आपने स्ट्रगल करा और कैसे आज आप इस मुकाम तक पहुँचे? सर देखिए, अगर आप मेरा मुकाम और मेरी जो जर्नी अगर आप बात करेंगे, तो मैं 2008 में यहाँ पर आया। 2008 में मेरे पास ना पैसा था, ना मेरे पास लोग थे, ना मेरे पास सर घर था, ना बार था। उसके बाद मैंने सर एक जॉब को चूज़ किया। नाइट में मैं सर एक MROD का काम करता था, और दिन में डेंटल क्लिनिक पर काम करता था। यानी कि 2008 से सर मैंने एक काम किया, मैक्सिमम 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने के बाद मेरा एक दोस्त मिलता है मुझे, मेरी एक दोस्ती होती है दिनेश से, क्लिनिक में दिनेश के बाद मेरा एक दोस्त और है विजय, तो उससे दोस्ती होती है सर। उसके पापा अच्छे थे, और मेरे फैमिली से इतना सपोर्ट था नहीं, मैं बिल्कुल मेरे पास मतलब पैसे ही नहीं हुआ करते थे। उसके बाद आज की अगर डेट में बात करें, तो मैंने दिन और रात एक करके क्लिनिक में जॉब करके सर ऐसे ऐसे लोग आते थे, ऐसे ऐसे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का नाम मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता सर, पानी फेंक दिया गया मेरे ऊपर सर, थप्पड़ मार दिए गए, मैं झाड़ू लगाता था, पोंछा लगाता था सर, क्यों? लेकिन सर मुझे काम से, झाड़ू पोंछे से कोई नफरत या कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि वो एक प्रकार से मेरा क्लिनिक था। लेकिन मुझे सर फ़र्क इतना था कि एक सोच से, कि एक BDS डॉक्टर, उसकी मैंटेलिटी ऐसी है कि एक लड़के के साथ कैसा बिहेवियर कर सकता है। मैं अपने डॉक्टर जनरेशन को बस इतना मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी डेंटल क्लिनिक में आपका असिस्टेंट काम कर रहा है, तो उसे अच्छी तरीके से पेश आए। और मेरी जो जर्नी हुई 2008 से लेकर आज 2022 चल रही है सर, तो मैंने इतना स्ट्रगल किया, कॉलेज किया, पहले पैसा जोड़ा क्लिनिक में जॉब कर, उसके बाद पैसा जोड़ने के बाद मैंने क्लिनिक खोला। 2015 में मैंने क्लिनिक खोला मुरादाबाद के अंदर। उसके बाद मैंने अपना डेंटल, कोटीवाल डेंटल कॉलेज से कोर्स किया।
कोर्स करने के साथ साथ मैं आज मैं दिल्ली में सेट हो गया, मैं सर बेल सेट हूँ, एक साल मुझे सेट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप देखिए जो मेरा दोस्त 2008 में मुझे मिला, आज वो 50,000 रुपये सैलरी कमा रहा है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात सर, 50,000 रुपये सैलरी कमा रहा है, क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके साथ साथ में आज वो बंदा खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है, क्योंकि उतना पैसा आता है कभी उसका इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, पैसा उसके पास बचता नहीं है। लेकिन आज आप मेरा लाइफ स्टाइल देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मेरी जो जर्नी रही है बड़ी ख़तरनाक रही है, कभी शॉर्टकट में फुल में इसको कभी डेवलप करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि इफ़ यू डू द हार्ड वर्क इन द लाइफ यू विल गेट द सक्सेस डेफिनेटली। बहुत बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स होंगे, बहुत मित्र होंगे, आप जिस प्रोफेशन में हैं, जब कभी लोगों को कहते होंगे भैया हम एक ऐसा भी काम करते हैं जो ज़िंदगी बदलने का धंधा है, बहुत सारे लोग आप पर हंस देते होंगे कि हे मैन व्हाट द हेल आर यू डूइंग, इज़ इट गुड और बैड अकॉर्डिंग टू यू। सर देखिए लोग हैं अपने, इंडियंस लोग हैं, अब इनकी प्रतिक्रियाएँ तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना। मैं इस दुनिया के अंदर अपना माइंड चेंज कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाले का माइंड नहीं चेंज कर सकता। बात यह कि लोग जो कह रहे हैं, मेरे तो अभी से ही सर इतने फ्रेंड्स लोग, अरे यार तू नेटवर्किंग में आ गया, अरे अच्छा खासा डॉक्टर है तू, अरे अरे यार तेरी अर्निंग अच्छी खासी है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता, तेरा लाइफ स्टाइल अच्छा चल रहा है, और साले तू क्यों काम कर रहा है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त 10 से 2 मेरे क्लिनिक का टाइम होता है, मेरे पास बचते हैं 10, 2, 3, 4, 5 3 घंटे मेरे पास बच सकते हैं। इसी 3 घंटे में या तो मैं नेटवर्किंग कर लूं, अपनी फ्यूचर के लिए बेस्ट कर लूं, या इसी 3 घंटे के अंदर मैं बूस्ट हो जाऊं और गिर जाऊं। मेरे पास सपोज दैट मैं आज क्लिनिक नहीं गया, आज मेरी सपोज दैट, चलो ठीक, भगवान ना करें ऐसा आपके साथ हो या मेरे साथ हो सर, ठीक है, और मैं क्लिनिक नहीं गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास क्या रहा, और या मेरी तबीयत ख़राब हो गई 15 से 20 दिन लगातार कंटिन्यू, एक महीना मेरा ख़राब गया, मैं क्लिनिक नहीं गया सर, मैं हीरो से जीरो आ गया कि नहीं आ गया सर, बताइए मुझे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपना टाइम आप बर्बाद ना करें, जो भी आपके पास वक्त है इसको संभाल के रखें, कैच करके रखें, क्योंकि यही वक्त है, इसी में लोग बूस्ट हो गए और इसी में लोग बेस्ट हो गए सर। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, आप भी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर डेंटिस्ट हैं, आप तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, स्टेज पे चढ़कर हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं, एक मंच आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से आप लोगों को बता पाते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएं, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं डेंटिस्ट प्रोफेशन में, वहां तो हज़ारों लोगों की गैदरिंग आपको नहीं मिलती होगी। सर देखिए आप सोचिए 2008 में जब मैं आया तो मेरे पास लोग नहीं थे, लेकिन आज अगर आप मेरी हिस्ट्री चेक करेंगे तो लोग मेरे साथ हैं और बहुत अच्छा लाइफ में चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस काम के साथ साथ नेटवर्किंग करता हूँ तो मे बी नहीं सर, आई विल बेस्ट, मैं इसमें बहुत बेस्ट कर जाऊँगा सर, और बाकी के जो भी मेरे साथ इतना वादा कर सकता हूँ, जो भी मेरे साथ आएगा निसंकोच आए, निसंकोच मेरे साथ काम करे, निसंकोच मेरे से मिलने आए, अगर नेटवर्किंग करना भी चाहता है तो मेरे साथ आए, बैठकर बात करें, मैं उसकी लाइफ का तोड़ बताऊंगा कि व्हाट यू आर मिस्टेक इन द लाइफ। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि अभी हिंदुस्तान में जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का ह्यूमर फैला हुआ है, yes, कि बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूथ हैं, यंग हैं, बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन है ऑलरेडी, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात छोड़ें तो और भी जगह में आप हैं, नौजवान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेरोजगार हैं वो कहते हैं कि मैं बेरोजगार रह लूँगा, माँ बाप के दम पर ज़िंदगी पाल लूँगा, डिमांड भरी ज़िंदगी पाल लूँगा, लेकिन खुदा कसम ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कभी दाखिल नहीं होने दूँगा। सर बात ये देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसी संगत वैसी रंगत, आज की डेट में जो लोग वो कह रहे हैं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग का धंधा बेवकूफ़ बनाने वाला है या इसमें पागल बनाते हैं, तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ सर, यू आर वेरी रॉन्ग हेयर, आप बहुत ज़्यादा गलत हैं, बहुत बेकार वाली और बहुत ब्लंडर वाली मिस्टेक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मेरे हिसाब से आपको किसी ऐसे टीचर की ज़रूरत है, ऐसे गाइडनर की ज़रूरत है, ऐसे संग साथ की ज़रूरत है कि आपको सही रास्ता दिखाए, क्योंकि आप भटक चुके हैं सर इस लाइफ में, और नेटवर्किंग जैसा धंधा और नेटवर्किंग जैसा बिजनेस, मेरे हिसाब से मैं बड़ी ही कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ सर कि इस ज़िंदगी के अंदर या आने वाली ज़िंदगी के अंदर नेटवर्किंग से अच्छा बिजनेस, नेटवर्किंग से अच्छा धंधा, नेटवर्किंग जैसा
मान सम्मान मिलने वाला धंधा सर इस वर्ल्ड में और इस दुनिया में शायद में भी कि दोबारा आए सर। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स आपके साथ है, आपके प्रोफेशन में होंगी, बहुत सारी वेमेन हैं, बहुत सारे पुरुष महिला हर कोई जुड़ा है आपके साथ। यस सर। लेकिन लोग दूर के ढोल सुहावने, आप नज़दीक रह करके ज़िंदगी बदलने की बात करते हैं, लोग वैल्यू नहीं करते हैं, वही बाहर के लोग चीज़ों को समझाते हैं, लोग बड़े अच्छे तरीके से मान जाते हैं, समझ जाते हैं। आखिर 2025 तक जो नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्णिम युग आने वाला है, उसमें ये नौजवान भाई क्या सचमुच में अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं? सर, मेरा मानना यह है कि पिछले 20 से 30 हज़ार साल पहले से सर कुछ नहीं बदला सर। हवा जैसी चल रही थी वैसी है, पानी जो था सर आज भी वही है सर, धूप जैसी निकल रही थी आज भी वही है सर, आसमान जैसा था वैसा ही था। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि इंसान की सोच नहीं बदली सर, इंसान का पैसा कमाने का तरीका आज नहीं बदला, इंसान को बिजनेस चलाने का तरीका आज भी सही तरीके से नहीं पता है। एक बात बताओ सर, आप 20 से 22 साल के हैं, आपको क्या पता है? व्हाट यू नो अबाउट द इन इंडिया, आप जानते क्या हैं इंडिया के बारे में? आपको सर सही से चड्डी पहनना नहीं आता, आपको सही से लोगों से बात करनी आता, आपने बीए कर लिया तो क्या आप 30 मार कहाँ हो गए? आप बिजनेस सर, आप बंदे की सक्सेस देखो कि ये कितने साल का सर। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं दिल्ली के अंदर आया था तो मात्र सर मैं 7th क्लास में पढ़ता था और 8th क्लास में एडमिशन लिया, 9th क्लास में फ़ेल हो गया और फिर मैंने 9th किया। मैं हिम्मत हारता तो क्या करता, मैं 9th क्लास को नहीं करता सर। मैं 10th क्लास में फ़ेल हो गया, अगर मैं हिम्मत हारता तो 10th क्लास नहीं करता सर। मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई विद आउट एनी सपोर्ट के किए सर। देखिए सर, यहाँ पर फंडामेंटल कल जो बात है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए सर, सच की जीत हमेशा होती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि सच हमेशा इंसान सच्चाई से जीतता है सर। सब लोग कहते हैं कि आपके पापा ने सपोर्ट किया होगा, आपके भाई ने सपोर्ट किया होगा, आपकी माँ ने सपोर्ट किया होगा सर। मेरा एक मानना था कि जब मैंने 9th क्लास पास किया, मैंने अपने आप से एक वचन और प्रण ले लिया था, आई विल बी आ डॉक्टर इन इंडिया एंड आई विल बी अ बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया, मैं इसके अंदर डॉक्टर बनूंगा। और सर, जो मैंने अपने दिमाग में सोचा, जो मैंने इमेजिनेशन किया सर, आज मैं वो हूँ, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ सर। तो मोस्टली सर ये है कि देखिए, जो नए युवा हैं चीज़ को समझें, नेटवर्किंग मार्केटिंग कभी ना गलत थी, ना है, ना रहेगी सर। आप इसको समझें, बैठकर बार तालाब करें, हाउ टू रन दिस बिजनेस, बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। द्वारिका से और द्वारिका के बाहर भी, दिल्ली से, इवन पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे भाई आपके पास कॉल करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके प्रोफेशन से जुड़ना चाहेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना चाहेंगे। अगर कोई भाई या बहन आपके साथ जुड़ना चाहता है, एसोसिएट होना चाहता है, उसके लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखिए सर, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि कोई बंदा या बंदी, लड़का या लड़की मेरे साथ जुड़ना चाह रहा है, तो मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहूँगा, अपने दिमाग की जितनी भी निगेटिविटी है नेटवर्किंग मार्केटिंग को लेकर और अदर बिजनेस को लेकर और अदर थिंग्स को लेकर, उसको घर पे छोड़कर आएं और मेरे साथ अगर जुड़ना है तो मन से काम करें, जैसे मैं काम करता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ वैसे काम करें। मैं आपके फ्यूचर की 100 नहीं सर 200% गारंटी ले सकता हूँ। आप यदि मेरे साथ मिलकर नेटवर्किंग मार्केटिंग में 2 से 3 साल या 4 साल कर लेते हैं तो सर आप आने वाले समय के करोड़पति होंगे। और आप आए मेरे साथ, देखें कि यार एक डॉक्टर कर सकता है तो आम आदमी नहीं कर सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला नहीं कर सकता, इतना बड़ा डॉक्टर अच्छा खासा बैल सेटल कर रहा है नेटवर्किंग मार्केटिंग को। सर मेरे दोस्त क्या कहते हैं, अरे यार तुम तो फालतू का काम कर रहे हो, अरे यार तुम्हें तो मतलब बिल्कुल तमीज नहीं है, अरे यार तुम्हें सर, ऐसे ऐसे कमेंट झेल रहा हूँ अपनी लाइफ में, ऐसे ऐसे। इवन सर मेरा भाई, छोटा भाई कहता है, अरे भैया तुम किस बिजनेस में आ गए, तुम किस में बेवकूफ़ी बना रहे हो, यहाँ सब बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है। तो मेरा मानना यह है, हालांकि वो अभी इंजीनियर है और बेल सेटल भी है, नोएडा में अपना ऑफिस खोलकर बैठा है, आउट ऑफ कंट्री में बिजनेस करता है वो बंदा, मतलब मैं उसकी बुराई नहीं करता, मेरा सगा भाई है सर, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर सच्चाई कि ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं। मेरा सगा भाई क्या सोच रहा है कि भैया ये तो गलत बिजनेस है, आप इसमें क्यों जुड़ गए, आप में इसमें नहीं जुड़ रहा, ये तो पागल बनाने वाला बिजनेस है। तो मैं उसको भी और बाकी के उस जैसे युवाओं को यही प्रेरणा और यही मैसेज देना चाहूँगा, मेरे दोस्त चीज़ों को समझो, आप अगर
फर्स्ट क्लास में गए थे तो आपको ABCD नहीं आती, लेकिन आपको जब आपने एक साल दिया तो वहाँ पर आपको बढ़िया करके ABCD आ गई। सर आप जब हाई स्कूल में आए तो आपको हाई स्कूल की बुक्स पढ़नी नहीं आती थी, जब हाई स्कूल एक साल किया और आप हाई स्कूल पास हो गए। वैसे ही हर चीज़ को टाइम देंगे, सोचेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे साथ जो भी युवा युवती जुड़ना चाहेगा कहीं से भी आ जाए तो मैं उसके फ्यूचर की गारंटी ले सकता हूँ। बस 2 से 3 साल यहाँ बेस्ट करने की ज़रूरत है आने वाले समय में। तो आप सर ने आप एक 3 साल में पाइपलाइन बिछा देंगे और उसमें से पानी ऐसा आएगा कि पानी जितना पियो साला आपसे पिया ही नहीं जाएगा सर। इतने पैसे होंगे यू नेवर बिलीव सर। ये बिजनेस मेरे हिसाब से, मैं गीता भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा और कुरान भी पढ़ा। कुरान मैंने बहुत कम पढ़ा है, बाइबल भी मैंने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन गीता ठीक ठाक पढ़ा है। मेरा ये मानना है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग और गीता, मैं इस चीज़ को सहम लेकर चलता हूँ। जैसा गीता जैसी पवित्र किताब ग्रंथ है हमारे इस इंडिया के अंदर, वैसे ही नेटवर्किंग मार्केटिंग ये एक ग्रंथ है। इसको कभी भी बुरा ना समझें, ना ही इसको माने। इसमें अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, सही लोगों के काम करते हैं, सही गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आप 100% सक्सेस होंगे। यहाँ पर आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने। सर एक सवाल मेरा आखिरी होगा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आपका बिलीव सिस्टम कितना स्ट्रांग है? बहुत सारे लोग आपसे एक बात और कहते होंगे कि डॉक्टर साहब फिजूल के चक्कर में मत पड़ो, डेंटिस्ट से भी हाथ धो लोगे, यहाँ भी बदनामी होगी, शांत माहौल में रह करके अपना जो प्रोफेशन अच्छा खासा कमा रहे हो, 40,000 की घड़ी है, 20,000 का और भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें शौक कर रहे हो, ऐसो आराम कर रहे हैं, क्यों आप चीज़ों में पड़ रहे हैं? आपका बिलीव सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कितना स्ट्रांग है? सर बिलीव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो आप मुझे तेजाब में जला देना सर, आप मुझे पानी में डुबा देना सर, आप मेरे में आग लगा देना सर, लेकिन जो मेरा बिलीव सिस्टम है ना ये कभी नहीं जाएगा। मेरा बिलीव सिस्टम ऐसा है सर कि मैंने अपना घर छोड़ा, माँ का प्यार नहीं मिला, बाप छोड़ा, बाप का प्यार नहीं मिला, बहन छोड़ी, बहन का प्यार नहीं मिला, आज पूरी फैमिली छोड़े पड़ा हूँ, उसका प्यार नहीं मिला। सिर्फ किस लिए? सर पैसे के लिए। ठीक है, बिलीव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके सबसे ज़्यादा मंदिर और सबसे ज़्यादा पूजा हनुमान जी की होती है। क्यों हनुमान जी की होती है? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल सही था, उनका बिलीफ सिस्टम कोई नहीं तोड़ सकता था। सर लंका में जाना हो, सर हनुमान जी से बोला कि भाई क्या क्या विचार है, लंका में जा सकते हो? सारों ने पैर खींच लिया सर, लेकिन हनुमान जी का जो बिलीफ सिस्टम था ना सर, वो एक ऐसा था कि सर आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। और सर एक अकेला पर्सन, ना सर कोई साथी था, सिर्फ अकेला पर्सन लंका में पहुंच गया, आग लगा डाली, ध्वज कर दिया सर। तो बिलीव सिस्टम मेरा एक हनुमान जी से कम नहीं है सर। तो भैया आप देख रहे हैं आज हम M.K. सिंघानिया सर से बातचीत कर रहे हैं, बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं, अच्छे खासे प्रोफेशन में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं पता है? सर ने बताया ना, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर से बातचीत करिएगा और अपनी ज़िंदगी अगर बदलना चाहते हैं तो एक बार सर के साथ ज़रूर एसोसिएट होइए। वास्तव में बता रहा हूँ, जिस तरह से डेडिकेशन सर के अंदर है ना, आपको यही चीज़ आपको समझ नहीं आती कि ये पैसा कमाते हुए 10 जगह हाथ चलाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एक इंसान कहीं कुछ नहीं कमा रहा है, वो एक रास्ता भी खोजना नहीं चाहता है। सर आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, इतनी दूर से आप आए, मेरे लिए टाइम निकाला सर, बहुत अच्छा लगता है। एंड यू आर यूनिक सर, एंड यू विल बी अ यूनिक सर, आई विल सपोर्ट यू एवरी वेयर सर, इफ़ यू मिस मी, वेन एवर यू मिस मी सर, आई विल सपोर्ट यू डेफिनेटली सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर।